हम लोग जिन गाड़ियों को अपने आसपास रोज देखते हैं वो डेली यूज के पर्पज से बनाई जाती हैं और जरूरत अनुसार ही उनका साइज होता है। लेकिन इस दुनिया में कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो जरूरत से कई ज्यादा बड़ी हैं। इतनी बड़ी गाड़ियां आपने शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होंगी। तो ऐसी ही कुछ गाड़ियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गाड़ी है जो कि एक मोटर बाइक है, नाम है मॉन्स्टर मोटर बाइक फ्रॉम हेल। ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक है। इसकी लेंथ है करीब 29.5 फीट, विड्थ है करीब 9.8 फीट और हाइट है 9.10 फीट। इस मोटर बाइक का वजन है 30 टन, मतलब कि 3.5 राइनोसोरस के टोटल वजन से भी ज्यादा। इस बाइक में कैटरपिलर माइनिंग ट्रक के टायर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें ट्रक का इंजन लगाया हुआ है जो करीब 394 BHP की पावर जनरेट करता है। इस बाइक को एक ऑस्ट्रेलियन रे बोमन ने बनाया है, जिन्हें 3 साल लग गए थे इसे बनाने में। हाल फिलहाल कई सारे शोज में इस बाइक से कार्स को क्रश कर दिखाया जाता है। तो शायद आप पहली बार सुन और देख रहे होंगे कि कोई मोटर बाइक कार को क्रश कर रही है। दूसरी गाड़ी है L2350। ये एक मॉन्स्टर बुलडोजर है जिसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, बिगेस्ट अर्थ मूवर का। इस बुलडोजर में 65 लीटर का डीजल इंजन दिया हुआ है, मतलब 65,000 cc का इंजन। नॉर्मली आपने 800, 1,500, 2,000, 3,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 5,000-6,000 cc के इंजन सुने होंगे, लेकिन इस बुलडोजर में 65,000 cc का इंजन दिया हुआ है जो 2,300 BHP की पावर जनरेट करता है। इस बुलडोजर में लगे हुए जो आप बड़े बड़े टायर्स देख रहे हैं, इसका डायमीटर है 4 मीटर, 4 मीटर। 2012 में इस बुलडोजर की कॉस्ट थी $1.5 मिलियन। इसके बाद तीसरी गाड़ी है जो कि एक ट्रैक्टर है, नाम है बिग बर्ड 747। ये दुनिया का सबसे बड़ा फार्म ट्रैक्टर है। इसे 1977 में बनाया गया था $3 लाख इन्वेस्ट करके। इस ट्रैक्टर की लेंथ है 8.2 मीटर, हाइट है 4.3 मीटर, विड्थ 4.06 मीटर और इसमें जो आप टायर्स देख रहे हैं उसका डायमीटर है 2.4 मीटर। इन डायमेंशन से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने से देखने पर यह ट्रैक्टर कितना बड़ा हो सकता है। इसमें लगा हुआ इंजन 1100 BHP की पावर जनरेट करता है और 4200 Nm का टॉर्क। हाल फिलहाल तो इस ट्रैक्टर के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें यूज होने वाले टायर्स की कंपनी बंद हो गई थी। उसके कुछ ही समय बाद इस ट्रैक्टर के प्रोडक्शन को भी बंद कर दिया गया। अब हाल फिलहाल इसे म्यूजियम में रख दिया गया है ताकि लोग इसे देख सकें कि कभी कुछ ऐसा भी था। इसके बाद चौथी गाड़ी है जो कि एक ट्रक है, नाम है कैटरपिलर 797B। 797B कैटरपिलर रेंज का सेकंड जनरेशन मॉडल है। इसे बनाया गया था हाई प्रोडक्शन माइनिंग और हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन के लिए। इसकी लेंथ है 47.5 फीट, विड्थ 32 फीट और हाइट है 21.6 फीट। इसका वजन है करीब 623 टन, 623 टन। इस ट्रक की पेलोड कैपेसिटी है 345 टन, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पेलोड कैपेसिटीज में से एक है। इसमें लगा हुआ इंजन 3550 BHP की पावर जनरेट करता है। इस ट्रक की टॉप स्पीड है 40 miles per hour। पांचवी गाड़ी है जो कि एक डंपिंग ट्रक है, नाम है बेलाज 75710। इस ट्रक की लेंथ है 20.6 मीटर, मतलब अगर दो बस को एक के बाद एक खड़ा कर दिया जाए उसके बराबर। इसकी विड्थ है 9.87 मीटर और हाइट है 8.16 मीटर। इस ट्रक को एक रशियन माइनिंग कंपनी ने बनाया है। इसका वजन है करीब 3,60,000 kg। इस ट्रक की पेलोड कैपेसिटी है 450 टन, मतलब कि पूरे दुनिया के सभी डंप ट्रक्स में सबसे ज्यादा पेलोड कैपेसिटी इसी की है। इस ट्रक में दो इंजन लगे हुए हैं 65 लीटर के, मतलब 65,000 cc के दो इंजन हैं और हर कोई इंजन 2300 BHP की पावर जनरेट करता है, मतलब कि इस ट्रक में टोटल 4600 BHP की पावर जनरेट होती है। इसकी टॉप स्पीड है 64 km/h। इसके बाद छठवीं गाड़ी है डॉज पावर वैगन, जो कि एक पिकअप ट्रक है। असल में एक शेख हैं जिनका नाम है हामद बिन हमदन अल नहन।
हो सकता है इनका नाम मैं गलत तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी है यही है। ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और लगभग हर किसी शेख की तरह इनके पास भी दुनिया भर का पैसा है, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आता कि इतना सारा पैसा कहाँ और कैसे खर्च किया जाए। इसलिए अबू धाबी में इन्होंने एक बड़ा सा सुपर गैराज बनाया जहाँ पर ये अपनी कार्स का कलेक्शन रखते हैं। कार कलेक्शन से मतलब नॉर्मल कार्स नहीं है, ये अपने कलेक्शन में कई सारी बड़ी बड़ी अजीबोगरीब सी गाड़ियां रखते हैं, जिनमें से एक ये गाड़ी है डॉज पावर वैगन, जो कि 1950s के क्लासिक पावर वैगन पिकअप ट्रक का रेप्लिका है। ये ओरिजिनल पावर वैगन से 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस पिकअप ट्रक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है एज अ लार्जेस्ट कार इन द वर्ल्ड। इस ट्रक का वजन करीब 50 टन के आसपास है, लेकिन इस ट्रक को सड़कों पर चलने के लिए नहीं बनाया गया है। असल में इसके अंदर एक पूरा का पूरा अपार्टमेंट है जिसमें 4 AC बेडरूम हैं, किचन है, बाथरूम है और एक टेल गेट टेरेस भी है। इस ट्रक की अगर पोजीशन चेंज करनी हो, कभी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो उस काम के लिए इस ट्रक के अंदर 300 BHP की पावर जनरेट करने वाला इंजन लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े पिकअप ट्रक को, जो कि असल में एक अपार्टमेंट है। सातवीं गाड़ी है कॉमर्शियल एक्सट्रीम ट्रक। ये भी एक पिकअप ट्रक है जिसे एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्किंग पिकअप ट्रक है। जो डॉज पावर वैगन था वो सबसे बड़ा नॉन वर्किंग पिकअप ट्रक था। इसकी लेंथ है 6.5 मीटर, हाइट 2.7 मीटर, विड्थ 2.4 मीटर और कर्व वेट, मतलब कि इसका वजन है 4,800 किलोग्राम से 6,600 किलोग्राम तक। इसके अंदर टोटल 5 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। इस ट्रक में 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक जो 220 BHP की पावर जनरेट करता है और दूसरा जो 300 BHP की पावर जनरेट करता है। इसके बाद आठवीं गाड़ी है एल्टन F650, जो कि असल में एक एक्सटेंडेड वर्जन है फोर्ड F650 का। इस ट्रक का कर्व वेट है, मतलब कि वजन है करीब 12 टन। इस ट्रक में 7 डोर्स दिए गए हैं और ये 8 सीटर ट्रक है। इसमें 7.2 लीटर इंजन दिया गया है जो करीब 230 BHP की पावर जनरेट करता है। डनकेल इंडस्ट्रीज लग्जरी 4x4, असल में ये एक वैनिटी वैन की तरह है जिसमें पूरा का पूरा घर दिया हुआ है टायर्स के ऊपर। इस पूरे के पूरे मॉडिफिकेशन को फोर्ड F650 के ऊपर किया गया है। इसके अंदर किचन है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, 2 फ्लोर दिए गए हैं, बाथरूम्स हैं, लगभग सब कुछ है जो एक घर में होता है। इसकी लेंथ है करीब 9.7 मीटर, विड्थ 2.5 मीटर और हाइट है 3.6 मीटर। इसके बाद आ जाती है सुपर बस। इसको शायद आपने पहले कभी खबरों में देखा भी हो। ये वैसे तो एक बस है लेकिन दिखती एक कार की तरह है। इस बस की लेंथ है 15 मीटर, विड्थ 2.55 मीटर, हाइट 1.65 मीटर। इस बस में टोटल 16 डोर्स हैं, 16 दरवाजे हैं और 6 व्हील्स हैं, 6 टायर दिए हुए हैं। एक बार में इस बस के अंदर 23 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। इस बस को अंदर से काफ़ी लग्जूरियस और प्रीमियम बनाया गया है। इसके अंदर कोई इंजन नहीं है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इसमें बैटरी दी हुई है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह गाड़ी मैक्सिमम 215 किलोमीटर तक चल सकती है। इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आ जाती है दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी गाड़ी, जो कि एक लेमोजीन है, नाम है अमेरिकन ड्रीम। इस गाड़ी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है एज अ लॉन्गेस्ट कार इन द वर्ल्ड। ये गाड़ी 100 फीट लंबी है। इसमें 26 व्हील्स, 26 टायर दिए गए हैं और 12 एक्सल दिए गए हैं। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा लंबी है कि इसके पीछे एक हेलीपैड तक बना दिया गया है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए इसको चलाने में, मोड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से इस गाड़ी को 2 ड्राइवर मिलकर चलाते हैं, एक गाड़ी के फ्रंट में बैठता है और दूसरा गाड़ी के एंड में। हाल फिलहाल इस गाड़ी की हालत खस्ता हो चुकी है, प्रेजेंट में इसका स्टेटस क्या है नहीं पता। इसके बाद आ जाता है एक मिलिट्री व्हीकल जिसका नाम है मरूडर। इसे एक साउथ अफ्रीकन कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी पूरी दुनिया भर की आर्मीज को ये गाड़ी बेचती है, प्लस इंडिविजुअल्स को भी बेचती है। इसका प्रोडक्शन 2008 से किया जा रहा है और तब से लेकर अब तक इस गाड़ी की टोटल 300 यूनिट्स को बेचा जा चुका है। ये 2 इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है,
एक वो जो 240 bhp की पावर जनरेट करता है और 925 nm का टॉर्क, और दूसरा वो जो 300 bhp की पावर जनरेट करता है और 1100 nm का टॉर्क। इसमें जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 420 mm की। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 6000 किलोग्राम्स। इसके अंदर 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसकी टॉप स्पीड है 75 माइल्स पर आवर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रक को आर्मी के साथ साथ कोई इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, लेकिन ये महंगा बहुत है। इसके प्राइसेस हैं लगभग 5,23,000 डॉलर्स। इसके बाद वापस से शेख हमद बिन हमदन अल नहन के कलेक्शन में से एक और गाड़ी इस वीडियो में आ जाती है, जो कि एक जीप है। ये जीप कितनी ज़्यादा बड़ी है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इसके बगल में खड़े हुए लोगों को देखकर कि वो लोग कितने छोटे नज़र आ रहे हैं। ये जीप करीब 21 फीट ऊंची है, 21 फीट ऊंची है। इन शेख के पास इसी तरह की 400 से ज़्यादा गाड़ियां हैं। इन शेख को रेनबो शेख भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बार 7 नई मर्सिडीज़ खरीदी थी और 7ों पर अलग अलग कलर करवा दिया था, तब से इनका नाम रेनबो शेख पड़ गया है। तो बस यही थी कुछ गाड़ियां जिनको आप में से काफ़ी लोगों ने देखा नहीं होगा। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से किस गाड़ी ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।